नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी में। दोस्तों सीजीपीएससी मेंस की नई बैच प्रारंभ होने वाली है जिसका अवधि 10 महीने का रखा गया है। मेंस की तैयारी को जब व्यक्ति प्री का तैयारी कर लिया है तो पहला रणनीति ये होना चाहिए कि प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करे, लेकिन अक्सर ये होता है कि लोग सोचते हैं कि पहले प्री का कर ले फिर मेंस का। ऐसे अभ्यर्थी जो पहले प्री की तैयारी कर चुके हैं वो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप कंपटीशन कम्युनिटी आइए, यहाँ पर क्लासेस लीजिए, डेमो क्लासेस में आपको अच्छा लगे क्लासेस तो बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए। तो ये एक बहुत अच्छा एक फॉर्मेट होता है, ये एक बहुत अच्छा प्रारूप होता है ठीक, जिसमें हम क्या करते हैं आएंगे देखेंगे ठीक जज करेंगे, उसके बाद जो है आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। डेमो क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं। तो चलिए इसी सीरीज में हम आज एक टॉपिक डील करते हैं सीजीपीएससी मेन्स से रिलेटेड। सीजीपीएससी मेंस में एक टॉप एक सब्जेक्ट है फिलोसफी। फिलोसफी में एक टॉपिक है शंकराचार्य। तो आज मैं उसी सब्जेक्ट को उसी पॉइंट को डील करने वाला हूं। पहले हम देख लेते हैं शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य 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 के दर्शन में जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया गया है उसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्रह्म का विचार। ध्यान रखिएगा, कौन सा विचार? ब्रह्म विचार। ब्रह्म विचार। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, हमारे जो सिलेबस है उसमें जीव विचार को भी रखा गया है सीजीपीएससी में। जीव के बाद जगत भी रखा गया है ठीक, माया को भी रखा गया है माया विचार के बारे में। ये सब जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये सभी टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि कोई भी एक टॉपिक जो है वो अलग है। अगर आपको ब्रह्म विचार के बारे में जानना है तो जीव को भी जानना पड़ेगा, जगत को भी जानना पड़ेगा, माया को भी जानना पड़ेगा ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी चीजें हैं, जैसे कि एक मकान है तो मकान की संरचना में ईंट की भूमिका कॉलम की भूमिका वही होती है जो भूमिका फर्श की होती है। तो आप बिना फर्श को जाने मकान को नहीं जान सकते, बिना ईंट को जाने मकान को नहीं जान सकते। सेम चीज यहां पर है। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में, किसी एक टॉपिक के बारे में यहां पर जानना है तो सब के बारे में जानना है। जैसे अगर माया जानना है आपको तो जगत जीव और ब्रह्म के इतर आप माया के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि जैसे ही माया को हम डिफाइन करेंगे ठीक है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो चलिए बिना विलंब के हम ब्रह्म विचार को जानते हैं समझते हैं। तो जब आप इस चीज को लिखें तो आप यहां पर हमेशा मेंशन करते हुए लिखे, जैसे भूमिका इंट्रो, हम इंट्रो में हमेशा कुछ ऐसा चीज लिखे जो पंच लाइन कहते हैं ठीक, जहां से सामने वाले को लगे कि हाँ भाई ये है, ये मेन है उसका ठीक है। तो हम यहां पर एकदम कॉमन चीज से चालू करते हैं कि भूमिका हम ये लिखेंगे ब्रह्म विचार जो है ठीक शंकराचार्य के दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। केंद्रीय सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा यह केंद्रीय तत्व है। दूसरी बात हम यहां पर यह भी लिखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट हम समझते हैं कि शंकराचार्य ये जो ब्रह्म विचार है यह एकमात्र सत्य है। ध्यान रखिएगा, एकमात्र क्या है? सत्य है। सत्य मतलब एग्जिस्टेंस, तो ध्यान रखिएगा सत्य नहीं, ट्रुथ की बात नहीं कर रहे हैं। तो इंट्रो में हम यहां पर लिखेंगे, जब हम इसी चीज को थोड़ा डील करेंगे तो यहां पर एक श्लोक लिखेंगे ठीक है। ये एक प्रसिद्ध श्लोक है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म है ना परा। आप भी इसको लिख सकते हैं यहां पर ठीक, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है, ओ ब्रह्म है ना पर। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना पर। ये जो स्टेटमेंट है शंकराचार्य के फिलोसफी का सबसे बेसिक स्टेटमेंट है। कहीं ना कहीं इनके जितने विचारधारा है या जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं सब इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? देखिए यहां पर चर्चा किया गया है ब्रह्म के बारे में, जगत के बारे में,
ठीक जीव के बारे में, ठीक। तो इन सभी यानी ब्रह्म जगत जीव, ठीक। तो आप समझिए कि ब्रह्म के बारे में भी डील किया गया है, जगत के बारे में भी, जीव के बारे में। क्या इसका मतलब है? ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, ठीक है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है। जीव और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, यानी दोनों अलग अलग नहीं है। अगर इंग्लिश में हम इस चीज को बात किया जाए तो हम क्या बताएंगे, इसी को किस तरीके से डील करेंगे? ब्रह्म इज द ओनली एंटिटी या रियलिटी, ब्रह्म इज द only reality and everything else is only an illusion। अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्म इज द वनली रियलिटी एंड एवरीथिंग एल्स, ब्रह्म के अलावा जितने भी चीजें हैं, वनली क्या है? इल्यूजन है, ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म है, माया है, ठीक है। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, ना तो जीव सत्य है, ना तो जगत सत्य है, ना ही माया सत्य है। अगर आपको इसको समझना है तो एक डायग्राम के माध्यम से समझिए, ठीक है। एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए ब्रह्म, ये रहा ब्रह्म जो कि हमारे इस सिद्धांत का प्रमुख केंद्र में है। ब्रह्म जब अपनी माया शक्ति से युक्त होता है, मायोपहित ब्रह्म, इट मीन्स कि ब्रह्म जो है अपनी ही एक शक्ति है, माया शक्ति, उस माया शक्ति के साथ जब मिलता है तब किसकी रचना करता है? ठीक, जगत की रचना करता है। ध्यान रखिएगा, जगत यानी इस वर्ल्ड की रचना करता है, वर्ल्ड की रचना करता है, ठीक है। ब्रह्म जब माया से मिलता है, या ब्रह्म जो है मिलता नहीं कहना चाहिए, ब्रह्म ही, ब्रह्म की ही एक शक्ति है माया, यानी माया का निवास स्थान ब्रह्म है, ठीक है। और ब्रह्म जो है अपनी इस माया शक्ति से इस नाना रूपात्मक जगत का निर्माण करता है, ठीक है, या उत्पन्न करता है या उत्पत्ति करता है। और इस जगत में कौन है? इस जगत में है जीव, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ ब्रह्म के साथ एक और विचारधारा आती है, जब ब्रह्म युक्त माया को हम ईश्वर भी कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड, ठीक है। तो अब समझिए, यहां पर इतने सारे चीजें हैं, हम समझ रहे हैं ब्रह्म। अब यहां पर ब्रह्म के बारे में आपको एक और चीज समझना पड़ेगा, कि जैसे कि यहां पर कहा गया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवे ब्रह्म है ना पर, यानी कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ठीक है, ना तो जगत सत्य है, ठीक है, ना ही जीव सत्य है। तो आप इसकी स्थिति लोकेशन बताओगे कि कौन कहां पर है? तो देखो, ब्रह्म जो है, ठीक, क्या होता है, ब्रह्म को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है, ब्रह्म को डिटरमाइन नहीं कर सकते। मतलब अगर हम ब्रह्म के बारे में कुछ सकारात्मक कथन कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सकारात्मक कथन कहेंगे तो वो उसको, मतलब उस सकारात्मक कथन वो सीमित हो जाएगा, नहीं समझे? यहां पर स्पिनोजा ने अपने फिलोसफी में, वेस्टर्न फिलोसफी के एक फिलोसफर है स्पिनोजा, उन्होंने कहा है एवरी डिटरमिनेशन इज अ निगेशिएशन, यानी कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में कुछ सकारात्मक चीज कथन कहते हो, वह दूसरे गुणों से उसको विहीन कर देता है, ठीक है। कहने का मतलब अब समझिए, एक एक कर को इस चीज को समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखिएगा, ब्रह्म क्या है, ठीक, ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि ब्रह्म जो है त्रिकाला बाधित सत्य है, त्रिकाला बाधित सत्य, समझिएगा एक एक अर्थ को, त्रिकाला बाधित सत्य, जो तीनों काल में अबाध रूप से सत्य हो, ठीक, जिसका एग्जिस्टेंस हो, उसी को त्रिकाला बाधित सत्य कहते हैं, ठीक है। ब्रह्म को हम डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, हम उसको उसके गुणों के आधार पे, ठीक है, क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म को, ब्रह्म क्या है, निर्गुण है, निराकार है, लेकिन फिर भी ब्रह्म के बारे में अगर हमको जानना है, कुछ लिखना है, तो उसके कुछ गुणों की चर्चा करेंगे, हाँ। तो उसी प्रकार से उनका एक प्रमुख गुण है त्रिकाला बाधित सत्य, यानी कि, ठीक है, ये तीन काल में आबाधित है, इसको हम ये कहें कि ब्रह्म से पहले ब्रह्म था, उसके बाद ब्रह्म है, और उसके बाद ब्रह्म रहेगा, यानी कि जीव की मृत्यु होती है, जगत का विनाश होता है, लेकिन ब्रह्म की ना तो उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ना ही उसका विनाश होने वाला है, आया समझ में, ठीक है। अब देखिएगा, जब हम इसी चीज को चर्चा करते हैं, तो जब हम सत्ता की बारे में बात करेंगे तो ब्रह्म की बात ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं यहां पर हम ब्रह्म, ब्रह्म की बात हम करेंगे तो ब्रह्म की तीन कोटियां हैं, ध्यान रखिएगा, तीन कोटियां, कोटियां का मतलब कैटेगरीज,
थ्री कैटेगरीज ऑफ ब्रह्म, समझिए इस चीज को, क्या है ये थ्री कैटेगरीज, एक एक करके आप इस चीज को समझते हुए चलिए। ठीक है, पहला कैटेगरी है, पहला हम इस चीज को ब्रह्म को हम कहते हैं पारमार्थिक सत्ता, ध्यान रखिएगा पारमार्थिक सत्ता, ठीक, हम इसी को इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसीडेंटल, ट्रांसीडेंटल, ठीक, पारमार्थिक सत्ता। दूसरी सत्ता होती है ठीक व्यवहारिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, इसको हम कहेंगे प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक एग्जिस्टेंस, ध्यान रखिएगा प्रैग्मेटिक। और तीसरी है प्रतिभाषिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता, इसको हम कहेंगे एपेरेंट, एपेरेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, ब्रह्म की तीन कोटियां, इसका मतलब है कि जब हम देखते हैं तो ब्रह्म जो है कुल तीन तरीके से दिखाई देता है। ठीक, एक समझ के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कहां से, ठीक है, व्यवहारिक सत्ता से। ठीक है, समझिए इस चीज को, ये जो है इसको हम लास्ट में समझेंगे व्यवहारिक सत्ता में। ठीक, जैसे कि एक उदाहरण दिया जाता है शंकराचार्य के दर्शन में ब्रह्म का उदाहरण, कि ये जो जगत है, ध्यान रखिएगा ये जगत है ये ब्रह्म है, क्यों, क्योंकि माया ने जगत के ऊपर एक पर्दा डाल के रखा है। ठीक है, इसलिए जगत में जो भी चीजें हो रही है वो सब भ्रम है, ठीक है, इल्यूजन है। अब देखिएगा यहां पर व्यवहारिक सत्ता उस सत्ता को कहते हैं जिसमें हम और आप आम व्यक्ति क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, देखता है, समझता है। तो इस आम व्यक्ति के द्वारा जो समझा जाने वाला सत्ता है, ठीक है, जिसमें हम किस चीज की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा हम यहां पर बात करेंगे ऐसी चीजों की, ठीक है, जो दोनों चीजों को माने, जैसे कि गॉड को भी सत्य माने और साथ ही साथ इस जगत को भी सत्य माने। अर्थात व्यवहारिक सत्ता वह सत्ता है जो ईश्वर को भी सत्य मानता है, इस वाले ईश्वर को, और इस जगत को भी सत्य मानता है। ठीक, आप मानते हो ना, आप जाते हो मंदिर, ईश्वर की पूजा करते हो, ठीक है, और जगत में होने वाली सारी चीजों को सत्य मानते हो, तो यही व्यवहारिक सत्ता है। एक होता है प्रतिभाषिक सत्ता, एपेरेंट, यहां पर मैं आपको बताऊंगा उदाहरण। ठीक है, रस्सी और सांप का उदाहरण, रस्सी और सांप का, रोप एंड स्नेक, जो एक परिस्थिति बता रहा हूं। शंकराचार्य ये कहते हैं कि हमको कभी कभी अज्ञानवश, ठीक है, रस्सी में सांप दिखाई देता है, अज्ञानवश क्या दिखाई देता है, रस्सी में सांप दिखाई देता है। इसका मतलब है अज्ञानतावश हम कभी कभी ये समझते हैं कि सामने जो चीज है वो सांप है, लेकिन रहता वो क्या है, रस्सी रहता है। तो उसी प्रकार ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार रस्सी में, ठीक है, हमको किस चीज की प्रतीति हो रही है, सांप की प्रतीति हो रही है, यानी सांप हमको दिखाई दे रहा है, वास्तव वो सांप है नहीं, वो है क्या, रस्सी। इसी को हम प्रतिभाषिक सत्ता कहते हैं, यानी जो हमको सांप दिखाई दे रहा है वो सांप ना होके रस्सी है। ठीक है, प्रतिभासिक क्षणिक होता है। ठीक, इसकी खास बात यह होता है कि यह क्षणिक होता है। ठीक है, थोड़े देर बाद जब आपको ज्ञान हो जाता है कि यह वास्तव में सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, क्योंकि आपने टॉर्च जला दिया या दिन हो गया, ये ऐसी चीजें परिस्थिति वश होती है ना, ध्यान रखिएगा, ओवरऑल नहीं होती है। तो ये दो अलग अलग सत्ता है, परमार्थिक सत्ता, ये आपका ट्रांसेंडेंटल आपका एग्जिस्टेंस है। परमार्थिक सत्ता को मैं क्या बताऊंगा आपको यहाँ, ठीक है, परमार्थिक सत्ता जो है इस दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा, परमार्थिक सत्ता के दृष्टिकोण से केवल एक और एकमात्र चीज सत्य है, वह है ब्रह्म। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है। ठीक, ब्रह्म के अलावा इस जगत में कोई भी चीज सत्य नहीं है। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, इस प्रकार ये उलझा हुआ चीज को अगर एक जगह आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ब्रह्म के दो रूप है, कितने रूप है, दो रूप। ठीक है, एक को कहते हैं हम निर्गुण ब्रह्म, ध्यान रखिएगा, एक को कहते हैं हम निर्गुण और एक को कहते हैं सगुण। ठीक है, देखिए निर्गुण और सगुण ये दो ब्रह्म है। ठीक है, निर्गुण का मतलब फिर मैंने फिर वही बताया कि ये आपका गुणों से हीनता नहीं है यहां, बल्कि गुणों की अधिकता है। अगर हम यहां पर गुण के रूप में हम चीजों को बताएंगे तो ब्रह्म जो है सीमित हो जाएगा, इसलिए हम इसको ब्रह्म को निर्गुण कहते हैं। ठीक है, यहां पर आप समझिए इस चीज को, निर्गुण, निर्गुण का मतलब वह ब्रह्म की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, जो क्या है, सुप्रीम ब्रह्म है, सुप्रीम ब्रह्म।
यानी यही वास्तव में ब्रह्म है। ठीक है, सगुण ब्रह्म, सगुण का मतलब गुण युक्त ब्रह्म को हम क्या कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। समझिएगा इस चीज को, हम क्या कहते हैं इसको, गॉड कहते हैं, और इसे हम अपर ब्रह्म भी कहते हैं, अपर ब्रह्म। ठीक है, आया समझ में। ब्रह्म दो है, एक है सगुण और एक निर्गुण। यहां भी देखिए, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। ठीक, बस इसका जो प्रेजेंटेशन है वो अलग है। कहने का मतलब, जब ब्रह्म जो है माया से युक्त हो जाता है तो उसी को हम ईश्वर कहते हैं। कहा भी गया श्लोक में, मायोपहित ब्रह्म, ईश्वर है क्या? ईश्वर की परिभाषा में जब आप देखेंगे तो ईश्वर मायोपहित ब्रह्म है। यानी कि ठीक है, ईश्वर ब्रह्म युक्त माया को ही ईश्वर कहा जाता है, बड़ा सिंपल सा वर्ड में। ठीक है, तो यहां से आपको यह समझ में आ गया कि ठीक ब्रह्म के कितने रूप हैं। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि ब्रह्म के कितने लक्षण हैं, ब्रह्म में कौन कौन से लक्षण हैं। तो ब्रह्म के लक्षण की बात करते हैं। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर दो एसेंशियल, दो लक्षण बताए गए हैं। पहला है स्वरूप लक्षण, स्वरूप लक्षण, ठीक ध्यान रखिएगा। और दूसरा बताया गया है आकस्मिक लक्षण या ठीक तटस्थ लक्षण, आकस्मिक लक्षण। ठीक, स्वरूप लक्षण को हम किस तरीके से लिखेंगे, स्वरूप लक्षण को हम कहेंगे एसेंशियल क्वालिटीज, एसेंशियल क्वालिटीज। आकस्मिक लक्षण को कहेंगे हम एक्सीडेंटल क्वालिटीज, एक्सीडेंटल क्वालिटीज। ध्यान रखिएगा, दो चीजें हो गई, स्वरूप लक्षण और आपका आकस्मिक लक्षण। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्म के, ब्रह्म जो है दो लक्षणों से युक्त है। ठीक है, इसमें आप क्या कहेंगे, ठीक देखिएगा, स्वरूप लक्षण का मतलब होता है किसी चीज का मूल लक्षण। ठीक, जैसे कि मान लो आग, आग का मूल लक्षण है गर्मी देना, जलाना। ठीक, बाकी चीज शीतलता नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि बर्फ का मूल लक्षण है शीतलता, पानी का मूल लक्षण है प्यास को बुझाना, तो ये मूल लक्षण है। उसी प्रकार ब्रह्म का मूल लक्षण जो है, ठीक है, वही उसका स्वरूप लक्षण है। और स्वरूप लक्षण के हिसाब से ब्रह्म क्या है, ठीक है, ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक, यानी सच्चिदानंद, जो जो परम आनंद जिसपे मिलता है उसी को हम सच्चिदानंद कहते हैं। तो स्वरूप लक्षण के हिसाब से ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक, आकस्मिक लक्षण, आकस्मिक लक्षण मतलब जो उसके मूल लक्षण के इतर जो लक्षण होते हैं, ठीक, उसी को हम आकस्मिक लक्षण कहेंगे। तो बाकी जिन बाकी क्वालिटीज को हम यहां पर डाल सकते हैं, ठीक, उसी को हम कहेंगे क्या, आपका आकस्मिक लक्षण। तो इस प्रकार से देखिएगा, ब्रह्म जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। अब इस लक्षण को समझाने के लिए यहां पर शंकराचार्य एक उदाहरण देते हैं, गरेड़िया का, सिफड का, गरेड़िया। ध्यान रखिएगा, सिफड, क्या उदाहरण है यहां पर, कि जिस प्रकार एक गरेड़िया एक खेल खेल रहा था, ठीक, जिसमें वह राजा बना था और राजा की तरह निर्णय दे रहा था। ठीक, अब समझिए, इस स्थिति में शंकराचार्य यह कहते हैं, क्या वह गरेड़िया वास्तव में राजा है? नहीं, वह गरेड़िया क्या है, गरेड़िया है, भेड़ चराने वाला। ठीक, तो गरेड़िया के दृष्टिकोण से देखें तो गरेड़िया जो कि राजा का भूमिका निभा रहा है, किसकी भूमिका निभा रहा है, राजा की भूमिका, और यह क्या कर रहा है, निर्णय दे रहा है। ठीक है, न्याय कर रहा है, क्या कर रहा है, न्याय, ठीक है, अपने स्थान पे। लेकिन वास्तव में ये भूमिका की बात कर रहे हैं, गेम की बात कर रहे हैं ना, ये जो गरेड़िया है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो इस गरेड़िया मतलब यहां पर इसका मूल लक्षण क्या है, तो इस गरेड़िया का मूल लक्षण है भेड़ चराना। लेकिन इसका आकस्मिक लक्षण वर्तमान में क्या दिखाई दे रहा है, राजा की भूमिका में दिखाई दे रहा है। तो यही है स्वरूप लक्षण और यही है आकस्मिक लक्षण। जो उदाहरण दर्शन में दार्शनिकों ने दिया, जैसे यहां पर शंकराचार्य ने दिया, उसी को यहां पर कोट करना है अपने तरफ से। ठीक है, समझाने के लिए बस दिया जा सकता है, आंसर लिखने के लिए आप अपना आंसर में अगर यहां पर ये आता है तो यही एग्जांपल लेना है। ठीक, क्योंकि इसी एग्जांपल के माध्यम से शंकराचार्य ने इस चीज को समझाया है। ठीक है, तो ब्रह्म है क्या, ब्रह्म ही वह परम शक्ति है जिसने इस जगत का निर्माण किया। किसके माध्यम से किया, तो माया शक्ति के माध्यम से किया, यानी ब्रह्म ने अपनी माया शक्ति से इस जगत का निर्माण किया।
उस जगत में कौन है, उस जगत में जीव है। आइए पीछे चलते हैं, ठीक है, उस जगत में कौन है तो उसी जगत में जीव है, ठीक है। अब ये जीव है क्या, तो आत्मा का जब शरीर से मिलन होता है तब जीव का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, आत्मा अलग है, जीव अलग है, ठीक है। आत्मा का जब शरीर से मन बुद्धि अहंकार से जब मिलन होता है तब जीव का निर्माण होता है। अब ये जीव, ठीक है, आत्मा ही है यानी कि वो ब्रह्म ही है, लेकिन जब वो शरीर मन बुद्धि से युक्त हो जाता है तो वह यह समझता है, ठीक, अपने आप को कर्ता समझने लगता है, डूअर समझने लगता है कि इस जगत में मैं हूं और ये काम मैं ही कर रहा हूं, मैंने ही मकान बनाया, मैंने ही बिल्डिंग बनाया है और मुझको सुख प्राप्त हो रहा है। तो जब व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझ लेता है तो उस कर्ता का फल भी अपने आप को भोगना पड़ता है, ठीक। चाहे अच्छे कर्म हो तो उसका अच्छा परिणाम, बुरे कर्म हो तो बुरा परिणाम, यानी कर्म फल के चक्कर में फंस जाता है, ठीक है। ऐसे जीव के कल्याण के लिए, चूंकि ब्रह्म और जीव एक ही है, ब्रह्म ने ही इस जीव की उत्पत्ति की है, तो इस ये ब्रह्म क्या करता है, चूंकि देखिए निर्गुण है, निराकार है, कोई आकार नहीं है, कोई गुण के माध्यम से हम उसको जान नहीं सकते, जैसे कि हवा, हवा का कोई आकार नहीं है, ठीक है। तो हमको हवा को समझने के लिए हमको गुब्बारा समझना पड़ता है, तब हम समझते हैं कि इस गुब्बारे के अंदर हवा है, ठीक। हवा को आप डायरेक्टली आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो ना, तो वही चीज यहां पर है। हमको अगर ब्रह्म को समझना है, ठीक, तो ब्रह्म को हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते हैं, तो ब्रह्म क्या करते हैं, ठीक, पता है कि इस व्यक्ति को यानी इस जीव को इसमें ये क्षमता नहीं है कि ये ब्रह्म को समझ सके, ये क्या करते हैं अपनी माया, मतलब ब्रह्म और माया से युक्त एक अन्य रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं और इसी को कहते हैं ईश्वर। मायोपहित ब्रह्म एव ईश्वर, यानी कि माया से युक्त ब्रह्म ही ईश्वर है, यानी वो अपने आप को एक अलग एंटिटी बना लेता है, वास्तव में दोनों एक ही है। अब देखिएगा, ठीक, यह परमार्थिक सत्ता है, यह व्यवहारिक सत्ता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अभी हमने सत्ता की बात किया ना, ठीक, तो परमार्थिक सत्ता ब्रह्म है, व्यवहारिक सत्ता ईश्वर, क्यों, क्योंकि अब इसी ब्रह्म ने इस जीव के कल्याण के लिए ईश्वर की रचना की, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये निर्गुण निराकार ये है, तो ये सगुण साकार है, सगुण है और साकार है, साकार यानी विद फॉर्म है ये, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, राम कृष्ण की जो मूर्ति है, शंकर जी की मूर्ति, जो सगुण है, साकार है, साकार मूर्ति है, उस चीज की हम पूजा करते हैं, ठीक है। जब व्यक्ति यानी जब जीव का ईश्वर में भक्ति हो जाए और उसकी भक्ति का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो उसके बाद ध्यान रखिएगा ब्रह्म क्या करता है, ठीक, ब्रह्म जो है अपनी माया को बोलता है कि भाई अब तुम पर्दा हटा दो, ठीक है, ठीक। इसके बीच में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर हमको ब्रह्म विचार बता रहे हैं, जब मोक्ष विचार बताएंगे तो इसको और बहुत अच्छे डिटेल से समझाएंगे। तो ब्रह्म क्या करता है, यानी ब्रह्म जो है अपनी माया को बोलता है, माया शक्ति को बोलता है कि अब तुम पर्दा हटा दो, इस जीव में अभी वह क्षमता आ गई है कि यह ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेगा। तो माया क्या करती है, ठीक है, भ्रम का पर्दा को हटा देती है। जैसे भ्रम का पर्दा हट जाता है, इस जीव का इस ब्रह्म से ब्रह्म साक्षात्कार होता है और उसी समय वो सहसा कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि। ध्यान रखिए क्या कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। वास्तव में ये जीव ही तो ब्रह्म है, ठीक है, ये ब्रह्म ने ही इसका निर्माण किया था, अपने अंदर से किया था, ठीक है। तो ये जीव और ये ब्रह्म अलग नहीं थे, इसलिए कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवे ब्रह्मैव नापरः। ये जो जीव है और ये जो ब्रह्म है, ये वास्तव में अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो हो गया ये एक, और एक बनने की प्रक्रिया को भी मैंने बता दिया। तो कंसेप्ट आया समझ में, ठीक। जब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो अब इस चीज को लिखिए, अब ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म जो है, ठीक, यह एक ऐसी सत्ता है जो कि जगत का निर्माण करती है। ब्रह्म निर्गुण होता है, निराकार होता है, ठीक, त्रिकाला बाधित सत्य होता है, सच्चिदानंद स्वरूप होता है। इसका निर्माता, मतलब यह ब्रह्म का निर्माण किसी ने नहीं किया है, यह स्वजन्मा है, यह स्वयंभू है। तो इस प्रकार से अन्य गुणों के आधार पर आप ब्रह्म को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। मैंने फिर बताया ना कि हम उसको डायरेक्ट डिफिनेशन यहां नहीं मिलने वाला है, ठीक। ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म के बारे में आप बताइए, ठीक। ब्रह्म जो है त्रिकाला बाधित सत्य है, जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इसकी तीन कोटियां हैं, परमार्थिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और प्रतिभाषिक रूप से, ठीक है। आप बताइए कि प्रतिभाषिक रूप से, जैसे कि हमको अचानक से स्वप्न में कुछ दिखा, ठीक है, जैसे कि मान लो भूख लग रहा है, मैंने ऐसे करके रसगुल्ला पकड़ने का प्रयास किया, ठीक, पकड़ में नहीं आता रसगुल्ला,
ठीक है, अगर घर में कोई भाई बहन सोए तो मुंह कान पकड़ में आ जाएगा, मुंह पकड़ में आ जाएगा, कान में पकड़ में आ जाएगा, खींचोगे सोचोगे मैं खा लूं, ठीक है, तो वो रसगुल्ला तो है नहीं, ठीक, सामने से तुरंत आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा कि भाई रसगुल्ला पकड़ के जो खा रहे हो वो तो मैं हूं। तो कहने का मतलब जो स्वप्न में हम जिन चीजों को देखते हैं क्या रहता है, प्रतिभासिक रहता है, ठीक है। ऐसा आप सपना देखे होंगे कि शेर आपको दौड़ा रहा है और भागे जा रहे हो, आप भागे जा रहे हो, ठीक, अचानक से डर के उठ जाते हो, कहां रहते हो, बिस्तर में, क्या है, प्रतिभासिक सत्ता है। तो जिस प्रकार स्वप्न की प्रतिभासिक सत्ता है, उसी प्रकार ये जगत जो है ये स्वप्न स्वरूप है, ठीक है। जिस प्रकार रस्सी में सांप दिख रहा है ना, तो उसी प्रकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो सत्ता को इसलिए प्रतिभासिक सत्ता कहा गया है कि क्षण भर में ये क्या हो जाता है, बिखर जाता है। व्यवहारिक सत्ता, जैसे व्यवहारिक रूप में मैं हूं, आप हो, कैमरा है, एसी है, लाइट है, हाँ, यही व्यवहारिक सत्ता, यानी कि ये जो जगत आपको दिखाई दे रहा है ये व्यवहारिक है, ये जो जीव दिखाई दे रहा है ये व्यवहारिक है, तो एक सत्ता ये हो गया। लेकिन अंतिम रूप से ये भी सत्य नहीं है। अंतिम सत्ता को बताने के लिए शंकराचार्य ने परमार्थिक सत्य या परमार्थिक सत्ता शब्द का उपयोग किया है कि आप जो जगत की बात कर रहे हो, आप जो जीव की बात कर रहे हो, ठीक, अल्टीमेटली ये भी सत्य नहीं है। अंतिम सत्य है ब्रह्म, जो सबका कारण है और जिसका कारण कोई नहीं है, वही ब्रह्म है। आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार से ब्रह्म को आप लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। तो चीजों को समझना है, फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी में हम एक गलती ये करते हैं कि हम बहुत सारे कंटेंट को देखते हैं, तो आप एक कंटेंट को लीजिए और उस कंटेंट को बार बार रिवाइज कीजिए। इसी तरीके से हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, आइए ज्वाइन कीजिए डेमो क्लासेस में, आइए देखिए कैसा चीजें यहाँ पर बताई जाती है। अब इसी को हम रिटेन रूप में जब लिखेंगे तो ये फ्लो चार्ट हमारे दिमाग में रहेगा, इसी वे पे हमको लिखना है। इससे पहले भी एक और स्लाइड है, ठीक है, उस चीज को हमको लेके चलना है, अगर लंबा क्वेश्चन है तो। अगर सीधा ब्रह्म पूछ दिया दो नंबर में तो हमको इस लाइन से चालू करना है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म है वहां पर, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, अर्थात ब्रह्म इस जगत का कारण है जिसका कारण कोई अन्य तत्व नहीं है, ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्म जो है त्रिकाला बाधित है, ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, बस हो गया, दो नंबर कहीं नहीं करने वाला, ठीक है, ये हो गया। क्यों? क्योंकि जिस वर्ड में, जिस उदाहरण से लोगों ने, मतलब दार्शनिकों ने चीजों को व्यक्त किया, उसी को हम एज इट इज भी हम प्रेजेंट कर दें तभी तो नंबर मिलेगा। अपने तरफ से कुछ भी एड ऑन नहीं करना है, कोई भी एग्जाम्पल एक्स्ट्रा पुटअप नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा विचार अपने तरफ से वहां पर नहीं डालना है, क्योंकि थिंकर के पेपर में थिंकर के हिसाब से ही चीजों को लिखा जाता है, ठीक है। आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आगे आपको दर्शन के बारे में पढ़ना है तो आप आइए डेमो क्लासेस में, हम यहाँ क्लास में मिलेंगे, 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं क्लास में। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ, आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।